मकसद है आज मीडिया में बात करने का। 5 अगस्त 2019 की जो तारीख की हमारे लिए एक शिकस्त 22 था, जम्मू कश्मीर के लिए एक वबाल जान था, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आज मीडिया की माध्यम से रियासती गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मैं खसूस से अपील करूंगा, जो एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें इस वक्त तो हालात कशीदा हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में बिलखसूस ज़िला रामबन में कारोबारी एतबार से ज़ीरो हैं, लेकिन जो स्कूल के बच्चों की फीस वगैरह हैं वो एक्सेस है। मैं गुजारिश करूंगा प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल साहिबानों को भी, सीओ साहब को भी, ZDO साहब को भी, DC साहब को भी, यहाँ तक कि डायरेक्टर एजुकेशन साहब को भी, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को भी, कि फीसों की नरमी की अजहद ज़रूरत है। 50% कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल हो या कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, क्योंकि गरीब लोग आजकल फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कारोबारी एतबार से ज़ीरो हैं। रियासत जम्मू कश्मीर UT के सूरत हाल में गुजर रही है, जुल्म तशद्दुद की शिकार हो चुकी है, लेकिन कारोबारी एतबार से मैं रियासती इंतजामिया को, जैसे हमारे खांडे साहब ने अभी PDD के महकमे से बात की, मैं थोड़ी सी एक बात गुजारिश ज़रूर करूंगा कि जो ST के लोग ज़िला रामबन या रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, पिछले 70 सालों से सरकारें बना रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर यह स्कीमें लागू हुई OBC ST SC, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अभी मैंने बड़े भाई साहब ने मीटर की बात की थी, मैं स्कूल का इशू करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मीटर फ्री देना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा ही जखीरा है सारा, तो गवर्नमेंट के BPL कैटेगरी में लाना चाहिए, मीटर को उनको फ्री मिलना चाहिए। तो वो हैंडल नहीं कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसको 50%, जैसे 1000 रुपया अगर आपने मंथली देना है, वहाँ 500 लेना चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर का मेरा प्रिंसिपल। ज़्यादा मैं आज टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे काफ़ी इशू पर बात करनी थी, तो बाद में